कि लाइक like कंफ्लिक्ट है कॉपरेशन है और कंपटीशन है तो ये सभी तो सोसाइटी में होती हैं दीज आर ऑल नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस सो ये एक अप्रोच हमारा नहीं है सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी क्या करती है हर एक चीज को साइंटिफिकली स्टडी करती है हर एक चीज को क्वेश्चन करना कि लाइक like कन्फ्लिक्ट हो रहा है सोसाइटी में तो क्यों हो रहा है कॉपरेशन हो रहा है सोसाइटी में तो क्यों हो रहा है कंपटीशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्या कारण है इन सभी के तो आज हम जानेंगे की कंफ्लिक्ट होता है उसके क्या रीजन होते हैं कंफ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों एक साथ में जो है किस तरह से चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे एंड फाइनली हम ये समझेंगे कि जो है तीनों के बीच में क्या एक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है अच्छा देखो हम अभी तक क्या सारी चीजें पढ़ते हुए आए हैं सो so, हमने इमाइल तरकीम का फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव पढ़ा हुआ है इमाइल तरकीम का जो फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव है या जो फंक्शनलिस्ट व्यू है वो क्या एक चीज बोलता है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एंटिटी है और हम उसे नहीं छोड़ सकते लाइक like, एक बार के लिए इंडिविजुअल को इग्नोर कर सकते हैं बट सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सक कर सकते हैं सोसाइटी की फंक्शनिंग होते रहे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये जो पूरा सोशल सिस्टम है ये सस्टेन करना चाहिए ये सर्वाइव करना चाहिए और इसके लिए हमने सोशल इंस्टीट्यूशन और ये सारी चीजें रखी हुई हैं और सोशल कंट्रोल भी है हम सोसाइटी में इंटीग्रेशन चाहते हैं और सोसाइटी डिस ना हो जाए इसलिए हम सोशल कंट्रोल करते हैं सो so, अल्टीमेटली इन सारी चीजों की वजह से जो कॉपरेशन है सोसाइटी में वो बना रहता है और कंफ्लिक्ट अगर होता भी है तो उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पूरी सोशल एंटिटी या सोसाइटी एज अ होल वहीं जो हमारा सेकंड पर्सपेक्टिव है वो है कार्ल मार्क्स का कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव

नहीं है और वो वर्कर की तरह काम कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट हैं जो बहुत रिच हैं कोई वर्कर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पुअर हैं तो ये इनइक्वालिटी होती हैं तब सोसाइटी में जो है होता है है ठीक कंफ्लिक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सस्टेन करना, करना है हमें लॉन्ग टाइम सर्वाइवल करना है जैसे फॉर मान लो वर्कर्स हैं वर्कर्स अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो जो क्या होगा कि फैक्ट्री में काम नहीं होगा काम नहीं होगा तो उन्हें वेजेस नहीं मिलेंगे वेजेस नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि उनका घर जो है उनकी लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो सर्वाइवल जो है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसीलिए सभी जो है कॉपरेट कर रहे हैं कैसे कॉपरेट कर रहे हैं सभी इनवॉलेंट्री

लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया किसी के बीच में यूक्रेन और रशिया में जो है वॉर छिड़ गया तो क्या हो गया कि जो है कंफ्लिक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल अब इसको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे इट मीन

जिनका पूरा कंट्रोल है और बाकी जो है उनका कोई कंट्रोल नहीं है तो ये जो बाकी है ये क्या चाहते हैं कि इनका भी जो है इनको भी एक्सेस हो रिसोर्सेस को लेके ये भी उन्हें कंट्रोल कर सके सो so, इन दोनों चीज़ों में जो है क्या होता है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कंफ्लिक्ट होता है इन शॉर्ट इनिक्वालिटीज़ होंगी सोसाइटी में तो कंफ्लिक्ट होगा ठीक है अगर कोई इक्वल सोसाइटी है तो फिर वहां कन्फ्लिक्ट नहीं होता ये पर्सपेक्टिव भी बोलता है नाउ द बेसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट वरी लेकिन कन्फ्लिक्ट जो है वो वरी कर सकता है मतलब डिफरेंट हो सकता है क्लास बेस्ड हो सकता है कास्ट बेस्ड हो सकता है ट्राइब को लेके हो सकता है जेंडर को लेके हो सकता है एथनीसिटी को लेके हो सकता है आपके अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को लेके भी हो सकता है सो so, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर कंफ्लिक्ट हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट का बेसिस जो होगा वो वरी कर सकता है लेकिन जो स्केल और नेचर है डिफरेंट कन्फ्लिक्ट की वो भी डिफरेंट होती सिर्फ इतना ही नहीं मतलब आप किस चीज पे कन्फ्लिक्ट कर रहे हो सिर्फ वही डिफरेंट नहीं होगा बल्कि कितना कन्फ्लिक्ट है कन्फ्लिक्ट का नेचर कैसा है क्या वायलेंट नेचर है क्या नॉन वायलेंट नेचर है किस तरीके से वो कन्फ्लिक्ट हुआ है सो नेचर स्केल और रीजन ये तीनों चीजें वरी कर सकती हैं नेचर रीजन रीजन या फिर हम कहें बेसिस एंड स्केल स्केल एंड बेसिस ये तीनों चीजें वरी करती हैं कन्फ्लिक्ट में कि नेचर कैसा होगा कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट होने वाला है साथ साथ ही में उसके बेसिस क्या होने वाले हैं सो so, ये चीजें जो है डिफरेंट होती हैं दीज वरी अ सोसाइटी सोसाइटी हेल्ड कॉमन सेंस परसेप्शन इज दैट इन आर न्यू अब एक जो है कॉमन सेंस परसेप्शन जो हमको देखने को मिलता है वो ये कहता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट बहुत ही न्यू फिनमिना है ठीक है कॉमन सेंस परसेप्शन ऐसा कहता है अब मैंने आपसे कहा कि एक कॉमन सेंस होता है एक साइंटिफिक परसपेक्टिव है हम सोशोलॉजी में

चेंज होते हैं उनका नेचर चेंज होता है उनका फॉर्म डिफरेंट होता है डिफरेंट स्टेजेस में सोशल डेवलपमेंट के डिफरेंट होते हैं, हैं। मतलब सोसाइटी है, हो है से दूसरी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो रही है या ह्यूमन डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हो हर एक चीज में स्केल नेचर बेसिस सोसाइटी में कंफ्लिक्ट होते हैं, कि ऐसा कौन कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं सोशलॉजिस्ट कॉमन सेंस परसेप्शन ने क्या कहा कि कंफ्लिक जो है सोसाइटी में वो न्यू फिन है लेकिन सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि नहीं ये न्यू फिन नहीं है ये हमेशा से जो है सोसाइटी में रहे हैं ना सोशल चेंज एंड ग्रेटर असर्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बाय एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स मेक द कॉन्फ्लिक्ट्स मोर विजिबल जब भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं जब भी डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उनको मतलब उनको असर्ट करते हैं जो डिसएडवांटेज या जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स हैं तब हमें कॉन्फ्लिक्ट और अच्छे से देखने को मिलता है जैसे सोसाइटी में जो है चेंज आ रहा है सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो जो डिसेज पीपल हैं जो डिस्क्रिमिनेटेड पीपल हैं जिनके साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अनईक्वल ट्रीटमेंट हुआ है है, ये जो सारे पीपल इनमें से आपको जो है कंफ्लिक और ज़्यादा ज़्यादा विजिबल होगा और देखने को मिलेगा जब भी ये सारी चीज़ें पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंफ्लिक पहले सोसाइटी में नहीं होते थे कंफ्लिक हमेशा से सोसाइटी में रहे अब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें सो so आज डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट ओल्ड और न्यू को लेकर अगर आपको याद हो हमने कल्चर एंड सोशलाइजेशन चैप्टर पढ़ा था और हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के बीच में नहीं याद है तो देखो दोबारा से उसको रिकॉल करते हैं ओल्ड एंड न्यू जनरेशन ले लो या ओल्ड एंड न्यू पीपल ले लो कि जो पुराने लोग हैं और जो आज के समय के नए लोग हैं ठीक है थीके, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें हमको ये ओल्ड और न्यू जनरेशन के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है जैसे जो ओल्ड है दे आर नो लॉन्गर एबल टू मीट द न्यू फोर्सेज वो नई चीजों को जो है ना ही उनके साथ में कोप अप कर पाते हैं ना ही वो उन्हें पसंद आती है लाइक जो न्यूनेस है जो मॉडर्निटी है वो उन्हें पसंद नहीं आती Very, very ियन सोसाइटीज हुआ करती थी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जैसा पहले था पहले इन द सेंस हम कब की बात कर रहे हैं अराउंड नाइनटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड टू नाइनटीन हंड्रेड ये एक टाइम पीरियड के बारे में अभी थोड़ा सा आप सोचिए कि उस एक टाइम पीरियड में कैसी लाइफ हुआ करती थी ठीक है बेस्ड सोसाइटीज हैं जो आपकी सोशल uh, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोशल पूरा स्ट्रक्चर है जो पूरे सोशल नॉर्म्स हैं वैल्यूज हैं बिलीव्स हैं ये सभी बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे और साथ ही साथ में जो है पर्सनल रिलेशनशिप्स होना हाईली uh, पर्सनल हो साथ ही साथ में प्राइमरी रिलेशनशिप्स होना ये सारी चीजें सोसाइटी में देखने को मिलती थी अब वो जो पुराना वाला ऑर्डर है वो आज के ऑर्डर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता क्या आज पर्सनल होती है, नहीं होती है आज बड़ा ही सेकेंडरी सा रिलेशनशिप जो है हमको देखने को मिलती है साथ ही साथ में एग्रीकल्चर तो बहुत ही कम हो चुका है तो वो ओल्ड ऑर्डर आज हमको देखने को मिलता, नहीं मिलता ना ही वो आज के टाइम की यानी कि जो न्यूनेस है, है उसके साथ में कोप कर पाता है जो न्यू वॉन्ट हैं जो न्यू एस्पिरेशंस हैं वो सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती थी मतलब आज की सोसाइटी और पहले की सोसाइटी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी मतलब सॉरी एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से वैसे ही ओल्ड और न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें सर so, जैसे पुराने लोग हैं उन्हें जो है सुबह उठ के मतलब अभी के हम प्रेजेंट सोसाइटी में आ जाएं और एक बिल्कुल ओल्ड पीपल हो गए आपके मान लो दादा दादी नाना नानी हो गए और एक आप लोग की जनरेशन हो गई ओके अब जो आपके ओल्ड जनरेशन है उन्हें सुबह उठ के जो है सबसे पहले तो चाय चाहिए फिर उसके बाद में उन्हें न्यूज चाहिए फिर उसके बाद में वो अपने घर में जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी वो करते थे लाइक घूमने जाना ये करना वो करना है आज की जनरेशन सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल फोन चाहिए उसके बाद में क्लासेस वगैरह तो चलती ही रहती हैं पढ़ाई वढ़ाई हो गई फिर आके खेलने भी जाना है इवन आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आपको जो है पार्टीज में भी जाना होता है मतलब एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्टाइल है पहनावे की अगर हम बात करें पहले के लोग पहले की जो मतलब स्पेशली वुमेन की हम बात करें तो साड़ी पहनते थे मेन होते थे धोती कुर्ता पहनना है वुमेन होगी सलवार सूट ये सारी चीजें आज जीन्स है टॉप है हर एक चीज है मतलब इतनी सारी वेराइटीज हैं तो क्या हो रहा है कि ये जनरेशन जो ओल्ड जनरेशन उन्हें आपके आज का वो फैशन वो स्टाइल पसंद नहीं आता होगा आपको उनका फैशन उनका स्टाइल उतना ज्यादा पसंद नहीं आता होगा हम आपके टेस्ट की ही अगर बात कर लें तो आज की जो जनरेशन है जो न्यू जनरेशन है उन्हें किस तरह का फूड पसंद है लाइक बाहर का होना बर्गर हो पिज्जा हो लाइक नूडल्स हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा पहले के समय के लोग क्या खाते थे जो होल ग्रेन वीट्स होलग्रेन मतलब होल ग्रेन सीरियल होते थे उन सारी चीजों से जो है अपनी चपाती बनाना और ऐसी चीजों को खाना तो डिफरेंस है हर एक चीज में ओल्ड और न्यू जनरेशन में भी क्या वो ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन के साथ में इतना ज्यादा मिक्सअप हो पाती है नहीं हो पाती क्या आप अपनी ओल्ड जनरेशन के साथ में हो पाते हो नहीं हो पाते हो तो यानी कि बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं लेकिन क्या ये जो सारी चीजें हैं जो ओल्ड ऑर्डर है जो ओल्ड जनरेशन है क्या उनकी चीजें पूरी तरह से सोसाइटी से खत्म हो गई हैं नहीं दे आर स्टिल वेरी मच ए वो आज भी हमें देखने को मिलती है तभी तो हम उनकी बातें कर रहे हैं और आप उन चीजों को समझ पा रहे हो और भी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप जो है मतलब रिलेट कर सकते हो तो वैसे ही जो यहां पर हम बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें तो हमें और ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है तो ये एक चीज कहना कि कंफ्लिक्ट पहले नहीं होता था कन्फ्लिक्ट पहले भी होता था पहले भी बहुत सारी चीजें होती

हर एक सोसाइटी में कंफ्लिक्ट होता था अगर हम पहले की सोसाइटीज की बात करें सो हाँ वहां पर ऑर्डर होता था वहां पर सोसाइटी की इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी लेकिन जब भी कोई मेंबर सोसाइटी से डेविएट होता था तो उसको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी जैसे ये एक सोसाइटी है आपकी इस सोसाइटी में सभी रह रहे हैं अब मान लो सभी जो है सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोशल वैल्यूज बिलीव इंस्टीट्यूशन इन सारी चीजों के थ्रू रन हो रहे हैं लेकिन मान लो कोई भी इंडिविजुअल अगर इस सोसाइटी से डेविएट हुआ मतलब सोसाइटी कह रही है आपको इस पथ पे चलना है पर ये बोल रहे हैं नहीं हमें तो यहाँ चल रहा है तो इन्हें हार्श पनिशमेंट देना इन्हें जो है मतलब बहुत ही क्रुआलिटी के साथ में ट्रीट करना साथ ही साथ में इनको जो है इनके ऊपर सोशल कंट्रोल लगाना सो यानी कि कंफ्लिक्ट उस एक टाइम पर भी होते थे बट क्या होता है आप अभी समझोगे और अच्छे से कि कंफ्लिक्ट को उजागर नहीं किया जाता ऑपरेशन को ज्यादा उजागर किया जाता है ज्यादा ओपनली दिखाया जाता है कन्फ्लिक्ट को नहीं दिखाया जाता अब हम आगे आज के टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट है ओल्ड और न्यू जनरेशन के बीच में हर एक जगह कंफ्लिक्ट है ठीक है और उसके रीजंस भी हैं ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट जस्ट यू ही हो गया कन्फ्लिक्ट के अपने रीजन होते हैं उसका अपना नेचर अपना स्केल अपने बेसिस होते हैं बट कन्फ्लिक्ट हर एक सोसाइटी में हमेशा रहे हैं ये सोशोलॉजिस्ट का कहना है नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कन्फ्लिक्ट अपियर एज अ डिस्कोड और ओवर क्लैश ओनली वेन

कि जो पीजेंट्स हैं उनके साथ में लैंड रिसोर्सेज को लेके बहुत सारे हैं तो जब तक उन्होंने अपने इन सारे रीजन को ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया तब तक हमें पता ही नहीं चल पाया कि पीजेंट्स को भी जो है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहे हैं ये हमें कब पता चला जब पीजेंट्स ने अपने इन सारे पॉइंट्स को ओपनली एक्सप्रेस किया तो वैसे ही जो है जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक ना ही आप उसे समझ पाओगे ना ही आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे बट द एबसेंस ऑफ अब

हैंज दिस चैप्टर हैज इम्फेसाइज रिलेशनशिप बिटवीन कंफ्लिक्ट इन वॉलेंटरी कॉपरेशन एंड ऑल्सो रेसिस्टेंस तो यहां इस चैप्टर में हमने क्या सारी चीजें पढ़ी हमने कंफ्लिक को भी समझा कि एक्जेक्टली exactly कंफ्लिक्ट होता क्या है जब किसी के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं तब कंफ्लिक्ट होता है conflict हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होता है इनवॉलेंट्री कॉपरेशन भी होती है कि आपकी इच्छा नहीं है बट आप कॉपरेट कर रहे हो क्योंकि आप उस सोसाइटी के पार्ट हो और साथ ही साथ में रेसिस्टेंस भी होता है हमें जो चीजें नहीं पसंद आती हम उसके लिए भी करते हैं सो इन ऑल जो भी अभी तक हमने पढ़ा हमने कॉपरेशन को पढ़ा हमने कॉम्पिटिशन को पढ़ा हमने कंफ्लिक्ट को पढ़ा तो तीनों चीजों के पीछे होने का हर एक कारण है ये सोशल प्रोसेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं और ये तीनों सोशल प्रोसेस सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं बट कॉमन सेंस की नहीं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरह इनके होने के पीछे जो है रीजंस है वैसे ही कन्फ्लिक्ट है बस कन्फ्लिक्ट को लेकर ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक सोसाइटी में होता है और इसको ओपनली एक्सप्रेस बहुत कम किया जाता है हर बार कन्फ्लिक्ट ओपनली एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है क्लियर है आई ये भी समझ रहे अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये जो हमारे थ्री सी है इन में क्या रिलेशनशिप है कैसे ये सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो डिटेल में समझेंगे और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब एक और चीज कि आपको मैग्नेट बेन्स में जो भी सारा कुछ पढ़ाया जाता है उसके सभी वीडियोज यूट्यूब पर तो मिल ही जाते हैं साथ ही साथ में आपको मैग्नेट ब्रींस की जो ऐप है प्ले स्टोर से आप वो डाउनलोड कर सकते हो वहां भी आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे यूट्यूब पर सभी ग्रुप्स मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स का पेज मिल जाएगा जिसमें आप अपनी डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर सकते हो यहाँ सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज मिलती हैं बट बहुत बार ऐसा होता है कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स